Assalamualaikum जी, how are you doing guys? Hope you guys are doing great. Welcome or welcome back to my YouTube channel Life with Fazila. If you are new to my channel, hello, my name is Fazila Sheikh and I make food and travel related content over here. If you are interested in this channel, please do subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon so that you will directly get notification whenever I will upload new videos. So today I am going to share my secret recipe of donuts, which is going to be super soft, fluffy and mouth-watering donuts you will ever have. So without any further delay, let's get into first of all, we are going to take 3 cup of flour, yani ki maida, jisko humne acche se sieve kar liya hai. Then we are going to take 1 cup of powdered sugar, yani ki kuti hui chini, jisko bhi hum acche se sieve kar lenge properly. Make sure hum jitne bhi dry ingredients use kar rahe ho na, usko properly sieve kar liya jaye. ओके okay? अब अपने फिंगर्स की मदद से ड्राई इंग्रेडिएंट्स के दरमियान में थोड़ी सी स्पेस बनाएंगे और उसमें हम हमारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे. सबसे पहले हम ऐड करेंगे एग, यानी कि अंडा. यहाँ पर हमने 1 एग यूज किया है. अब हम इसमें ऐड कर देंगे मेल्टेड बटर 1/4 कप, जो कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए. देन वी आर गोइंग टू ऐड 1/2 कप ऑफ मिल्क. इट शुड बी ऑन रूम टेम्परेचर, ना ही फ्रीज से निकाला हुआ ठंडा मिल्क होना चाहिए ना ही वार्म मिल्क होना चाहिए. ठीक है, रूम टेम्परेचर में होना चाहिए मिल्क. यहाँ पे हमने ऐड कर दी है 1/2 टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस एंड 1 टेबलस्पून ऑफ इंस्टेंट ड्राई ईस्ट. अच्छे से अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और डो बना लेंगे. डो नीट करते हुए चलिए आपको ईस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए. मार्केट में ना हमें 2 तरह की ईस्ट मिलती है. फर्स्ट वन इज एक्टिव ईस्ट एंड सेकेंड वन इज इंस्टेंट ईस्ट. हमने यहाँ पे यूज की है इंस्टेंट ईस्ट जस्ट बिकॉज इसको आसान है बहुत यूज करना और इसको हमें एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली हम इसको इंग्रेडिएंट्स में ऐड कर देते हैं. और जो मैंने आपको फर्स्ट वन बताई एक्टिविस्ट, उसको हमें जरूरत होती है एक्टिवेट करने की. तो हम एक्टिवेट कैसे करते हैं, गर्म पानी और चीनी में हम ईस्ट को ऐड कर देते हैं और उसको ढककर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं. तो 5 से 10 मिनट में ऊपर बबल्स आ जाते हैं और वो प्रॉपरली एक्टिव हो जाती है यूज करने के लिए. यहाँ मैं आपके साथ एक बात शेयर कर दूं कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं सभी अमेजोन पे अवेलेबल हैं और सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है. सो आप वहां से जाके डायरेक्टली इंग्रीडियंट्स बाय कर सकते हैं. डोनट्स के डो में ना एक बार आपने मेहनत करनी है, काफी अच्छे से डो को नीट करना है. 7 से 10 मिनट के लिए यहाँ पे मैं डो को अच्छे से नीट कर रही हूँ. और जैसे कि आपने देखा एक दफा बाउल में सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो मिक्स हो गए, आपस में मिल गए. फिर हमने किचन टेबल पे लेकर उसको पटक पटक कर अपने पाम की मदद से ड्रैग करना स्टार्ट किया. देखिए हम ऊपर से उठाकर वापस से पटकेंगे और अपनी पाम की मदद से अच्छे से ड्रैग करेंगे. इसी प्रोसेस को आपने रिपीट करते जाना है, रिपीट करते जाना है 7 से 10 मिनट्स के लिए, जब तक जो हमारा डो है वो प्रॉपरली नीट ना हो जाए. पहले आपको लगेगा हमारा जो गुलाब जामुन का डो होता है ना चिपचिपा, उस तरह का लगेगा, लेकिन जैसे ही हम नीट करते जाएंगे ना पटक पटक के, वो अपना शेप लेने लगेगा और वो एक प्रॉपर शेप में आ जाएगा. उसके बाद देखिए अच्छे से डो हमारा रेडी है. अब हमने इसमें ऑयल ऐड करना है और ऑयल लगाकर उसको 1 घंटे के लिए बाउल में रख देना. डो को हम ढक कर कहीं गर्म जगह पे रखेंगे लाइक किचन में या ओवन में, ताकि जो हमारा डो है वो अच्छे से राइज हो जाए. अगर आपके पास कम वक्त है तो आप मिनिमम 1 आवर के लिए आप साइड पे रख दीजिए. अगर ज्यादा वक्त है तो 1 से 2 आवर भी आप दे सकते हैं. ये वाला डो आप जो देख रहे हैं ना, इसको मैंने 2 आवर्स दिए हुए हैं. ये मैंने जो आपको डो नीट करके बताया उससे 1 घंटे पहले डो नीट किया था और एज यू कैन सी ये कितना अच्छे से राइज हुआ है. ठीक है, अब हमने इसको पंच करके अच्छे से नीट कर लेना है. क्वांटिटी ऑब्वियसली काफी ज्यादा हो जाती है. जब हमने इस बाउल में रखा था ना तो बिल्कुल बॉटम में था और आप देख सकते हैं राइज होकर भी कितना ऊपर आ चुका था ये. लेकिन जब हमने इसको अच्छे से नीट कर लिया उसके बाद भी देखिए आप क्वांटिटी काफी ज्यादा है. 1 घंटे का आप रिजल्ट देख सकते हैं. ये डो हमने 1 घंटे के लिए अच्छे से राइज करने के लिए रखा था और ये भी काफी अच्छे से राइज हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह. अब हमने इसको एक बार अच्छे से नीट करके उसको रोलिंग पिन से अच्छे से रोल कर लेना है, यानी कि मोटा सा पराठा बना लेना है. अगर आपको नीड लग रही है तो आप फ्लोर की डस्टिंग डेफिनेटली कर सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे जरूरत नहीं लग रही है, इस वजह से मैं यहाँ पे डस्टिंग नहीं कर रही हूँ. और अब मैं इसको अच्छे से मोटी वाली लेयर की रोटी बना रही हूँ. अच्छा, इसकी लेयर ना अप्रोक्सीमेटली आप 3/4 इंची मोटी रखेंगे,
3/4 इंच यानी कि ऑलमोस्ट 1 इंच आप समझ लीजिए, मोटी लेयर अच्छे से हम रोल करके उसको डोनट कटर की मदद से कट कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहती हूँ कि हमने स्टार एकेडमी के नाम से स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्टार्ट किया है पुरानी दिल्ली में। यहाँ पे हम 7 से भी ज्यादा स्किल सिखाते हैं लाइक मेहंदी स्टिचिंग, क्रोशेट, कुकिंग, बेकिंग, मेकअप एंड ओरिगामी। तो अगर आप इनमें से कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं और प्रोफेशनली सर्टिफाइड कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और मजे की बात ये है कि हमारी जो केक की प्रोफेशनल क्लास है वो 15 डेज की होने वाली है और जिसकी फीस ओनली 6,500 रुपीज है। आप इस पोस्टर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस क्लास में एनरोलमेंट के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको नंबर रिपीट कर देती हूँ 8888664038। आई रिपीट 8888664038। आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कोर्सेज की इंक्वायरीज के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमें DM कर सकते हैं स्किल क्रश पे। As you can see, डोनट कटर की मदद से हमने डोनट्स को शेप दे दिया है, कट कर लिया है। अब हम अगेन इसको राइज होने के लिए ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। 30 मिनट्स के बाद एज यू कैन सी हमारे जो डोनट्स हैं वो काफी अच्छे से राइज हो चुके हैं। हमने इसको गर्म गर्म तेल में फ्राई कर लेना है। इसकी खास बात ये है अगर ये अच्छे से राइज हुए होंगे ना तो देखिए तेल पे इस तरह से जैसे ही हम डोनट ऐड करेंगे ना वो फ्लोट करेंगे लाइक दिस। बोट में जैसे हम बैठे होते हैं ना और तैरते हैं इस तरह हमें डोनट्स को तैरा रहे हैं। अगर आपकी नाव यानी कि आपके जो डोनट्स हैं वो डूब गए तो आपकी ईस्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है, या तो फिर आपके जो डो है वो अच्छे से राइज नहीं हुआ है। तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है और इंशाल्लाह ताला आपके डोनट्स काफी अच्छे से सॉफ्ट और फ्लफी बनके माशाल्लाह से रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पे जो हमने स्टोव की जो फ्लेम है वो मीडियम टू स्लो ही रखनी है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई नहीं रखेंगे, अदरवाइज जो हमारे डोनट्स हैं वो कलर में डार्क हो सकते हैं और इसका टेस्ट भी काफी ज्यादा अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे और इंशाल्लाह ताला आपके डोनट्स रेडी हो जाएंगे। और देखिए 1-2 मिनट के लिए हमने अच्छे से फ्राई किया है एक साइड से। फ्राई करने के बाद हम टिश्यू पेपर पे निकाल के ऊपर से चॉकलेट की कोटिंग कर लेंगे और स्प्रिंकल से डेकोरेट कर देंगे। बाय द वे दिस डोनट्स आर डेकोरेटेड बाय माय डॉटर फिल्जा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।